cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आराम की जरूरत है और हवा पानी बदलने की, पर मुझे लगता है कि मैं वहीं ठीक हूं जहां मैं हूं। और हां, जब आप मेरी दशा जान लें तो आपको भी यह अंदाजा हो जाएगा कि आज तक मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। मेरी बदनसीबी 3 साल पहले खुशियों की शक्ल में आई। उस वक्त मैं ग्रेवसेंड से बॉम्बे आ रहा था और मेरी मुलाकात एग्नेस कीथ वेसिंगटन से हुई, जो बॉम्बे के एक ऑफिसर की बीवी थी। इस वक्त मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कैसी थी, पर इतना बताता हूं कि हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। ये जानते हुए भी कि ऐसे रिश्तों में एक प्यार देता है और दूसरा लेता है। हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे पता था कि प्यार देने वाली वो है, क्योंकि उसके प्यार में रूहानियत झलकती थी। बॉम्बे पहुंचने के बाद कुछ 3-4 महीने तो हम मिले ही नहीं। फिर शायद उसकी दुआई थी कि मेरी छुट्टियां आई और हम शिमला में मिले। वहां मुझे जिंदगी का एक फलसफा पता चला, और वो ये है कि जिंदगी में किसी को इतना मत जानो कि उससे नफरत होने लगे। प्यार का अच्छा वक्त बहुत ही जल्दी जल्दी चला गया, और फिर मुझे एग्नेस से जैसे चिढ़ सी होने लगी, जो मेरे बातों में और बर्ताव में झलकता था। ज्यादातर औरतों का जहन ऐसे वक्त में दूसरे मर्दों की तरफ मायल होता है, लेकिन एग्नेस स्पेशल थी और उसके प्यार का अंदाज भी। ये जानते हुए भी कि गलती मेरी है, एग्नेस हमेशा यही कहती थी कि न तुम बुरे हो न मैं, ये वक्त ही बुरा है, पर हम चाहे तो हम साथ रह सकते हैं और इस बुरे वक्त का मिलके सामना कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत मैं करती हूं तुमसे माफी मांगकर। प्लीज मुझे माफ कर दो। एग्नेस की ऐसी बातें मुझे लाचार कर देती। कभी कभी मैं उसे ऐसे तड़पता छोड़ देता जैसे एक पंछी जिसके पर काट दिए जाए। उसकी वो तड़प और मेरे दिल में एग्नेस के लिए वो नफरत के साथ 1882 का साल खत्म हो गया। अगले ही साल हम फिर शिमला में मिले। मैं उसे मिलने से कतराता था, फिर भी कई ऐसे मौके आए जब मैं और वो अकेले थे, और हर बार वो यही कहती थी कि न तुम बुरे हो न मैं, ये वक्त ही बुरा है, पर हम चाहे तो हम साथ रह सकते हैं और इस बुरे वक्त का मिलके सामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात थी कि हम साथ नहीं हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसी डर और इसी गम ने उसे दिन ब दिन कमजोर कर दिया था। वो कहते हैं ना, फिक्र आधी मौत है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने भी दुनिया के समझदार लोगों की तरह अपने दिमाग में ऐसा नजरिया बना लिया था जिसमें मैं खुद को सही और एग्नेस को गलत समझने लगा। पर आज मुझे एहसास होता है कि ऐसी समझदारी को ही अंधकार कहते हैं। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और 1884 आ गया। यह साल मेरे लिए जितना खुशनुमा था उतना ही खराब भी। खुशनुमा इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में दुनिया की सबसे अच्छी लड़की आ गई थी, जिसका नाम था किटी मैनरिंग। किटी से मुझे ऐसा प्यार था जैसे एक 8वीं क्लास के लड़के को होता है। जब भी उसे देखूं तो सारी चीजें धुंधली हो जाती थी, बस वही दिखती थी।
जहां धीरे धीरे मेरे दिल में किटी के लिए प्यार बढ़ता था, वहीं एग्नेस के लिए नफरत भी बढ़ती रही। और अगस्त 1884 में मेरी और किटी की मंगनी हो गई। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें और राहतें तो आने जानी है, लेकिन जिससे आप प्यार करें और उसी से आपकी शादी हो जाए तो बात ही कुछ और है। लेकिन हमारी मंगनी के दूसरे ही दिन मुझे एग्नेस का वही मनहूस चेहरा फिर से दिख गया। वो एक रिक्शे पर बैठी थी जिसे खींचने वाले सफेद यूनिफॉर्म में थे। एग्नेस ने मेरी तरफ हाथ दिखाया। वो हमेशा की तरह वो ग्लव्स पहनी हुई थी। मैं जैसे ही उस तक पहुंचा, वो कहने लगी, मैंने सुना तुम्हारी मंगनी हो गई है। और फिर वही बात, न तुम बुरे हो न मैं, ये वक्त ही बुरा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। चिड़चिड़ाहट में मैंने भी कह दिया, एग्नेस प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं सीधा किटी के पास चला गया। मेरे ख्याल से सच्चे प्यार की यही निशानी है कि जिनसे आप हकीकत में मोहब्बत करते हैं उनकी मौजूदगी में आप हर चीज भूल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब मैं किटी के साथ घुड़सवारी करने निकला तो वक्त कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। यहां तक कि ये भी भूल गया कि मेरी मुलाकात एग्नेस से हुई थी। फिर एक हफ्ते बाद मुझे खबर मिली कि एग्नेस मर गई। और ये खबर सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर रखा हुआ कोई पत्थर हट गया। अप्रैल 1885, मैं और किटी शिमला में थे और वहीं मैंने उससे शादी की बात की। वो मान गई और ये तय हुआ कि जून के आखिर में हम शादी कर लेंगे। उन दिनों मुझे यह महसूस होता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। जहां तक मुझे ध्यान है, वो 15 अप्रैल का दिन था जब हम एंगेजमेंट रिंग खरीदने गए थे। किटी ने जो रिंग पसंद की थी वो उसी की तरह खूबसूरत थी। फिर हम वहां से कॉम्बरमियर ब्रिज गए और वहां से पेलिटी के वरांदे पे गए। मेरा दिल कहता था कि ये वक्त कभी भी खत्म ना हो, बस मैं और किटी, हम दोनों अपनी दुनिया में ही खोए रहे। हम पेलिटी के वरांदे पे बैठे ही थे कि मुझे एक आवाज आई। किसी बड़ी दूर से मुझे कोई पुकार रहा है। जैक, जैक। और वो आवाज भी जैसे जानी पहचानी सी थी। यहां वहां मैंने पलट कर देखा तो कोई भी जान पहचान का नहीं दिखा। मुझे लगा जैसे मेरे कान बज रहे हैं। और फिर अचानक से मेरी नजर दूसरी ओर पड़ी तो मैंने देखा कि वही रिक्शा जिस पर एग्नेस आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। मैं घबरा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने किटी को वो रिक्शा दिखाने की कोशिश की पर उसे तो वो रिक्शा दिखाई नहीं। हम बात कर ही रहे थे कि वो रिक्शा किटी के घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। मैंने घोड़े को जोर जोर से आवाज दी। घोड़ा रिक्शे से टकराने ही वाला था, लेकिन टकराया नहीं, बल्कि उसके आर पार चला गया, जैसे हवा में रंग घोल के उस रिक्शे को बनाया गया हो। बस घोड़े को छूकर निकल गया। ये देखकर मैं पसीना पसीना हो गया और किटी मुझे देखकर परेशान। मैंने किटी का हाथ थामा और कहा, चलो हमें यहां से चलना चाहिए। बस हम वहां से निकल ही रहे थे कि वो रिक्शा फिर हमारे सामने आ गया। और इस बात तो रिक्शे की छत भी नीचे हो गई थी और मैं देखता क्या हूं कि उसमें वही मनुष्य एग्नेस का चेहरा, और वो मुझसे कह रही है, हम चाहे तो हम साथ रह सकते हैं और इस पूरे वक्त का मिलके सामना कर सकते हैं,
और इसकी शुरुआत मैं करती हूं तुमसे माफी मांगकर। घबराहट में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कब घोड़े से उतरा और पेलिटी के वरांदे पहुंचा। जब ध्यान आया तो मैंने देखा कि मेरे सामने विस्की का एक ग्लास रखा था जिसमें जरा सी विस्की बची थी, शायद किसी की छूट गई होगी। मैंने थोड़ी और विस्की पी और मेरी बेचैनी देखकर कुछ लोग मेरी तरफ आए और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। इतने में किटी मेरे पास आ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। तब जान में जान आई और हम सीधे अपने होटल के लिए रवाना हो गए। मैं अपने रूम में खुद से बातें करने लगा और अपने ख्याल और हकीकत को जोड़ने लगा कि मैं थियोबल जैक पैन से एक पढ़ा लिखा तंदुरुस्त और जहीन इंसान हूं। मैं और किटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। ये तो हो गई हकीकत। इसे छोड़कर सारी बातें बस एक ख्याल, एक फितूर है, हकीकत नहीं। फिर भी रात भर ना जाने क्या क्या सोचकर मैं परेशान रहा और इसी सोच में ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले किटी को माफीनामा भेजा और दोपहर में मिलने को कहा। हम दोनों अपने अपने घोड़े पर छोटे शिमला की तरफ रवाना हो गए और संजोली तालाब पहुंच गए। मैं उससे कुछ 50 फीट पीछे था और वो आ गया कि अचानक मुझे घबराहट शुरू हो गई। हर चीज धीमी हो गई, पत्ते, फूल, चिड़िया, हवा और मेरा घोड़ा भी। और मेरी नजर के सामने रास्ते के बीचों बीच फिर से वही रिक्शा आ गया जिसमें एग्नेस का वो मनहूस चेहरा दिख रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि किटी को यह मंजर दिखे, पर वो अपनी ही धुन में घोड़ा दौड़ाती हुई गई और उस रिक्शे के आर पार हो गई, बिल्कुल कल शाम की तरह। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं भी उसके पीछे हो लिया और उस रिक्शे के आर पार निकल गया। पीछे मुड़ के देखा तो फिर वही बात। न तुम बुरे हो न मैं, ये वक्त ही बुरा है, पर हम चाहे तो हम साथ रह सकते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसके बाद तो जैसे मुझ पे छुपी सी छा गई। किटी बहुत बातूनी लड़की है, उसकी ऐसे इंसान से ही जमती है जो खूब बातें करे। अब मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। किटी कुछ कहती तो मैं जवाब ही नहीं दे रहा था और इस वजह से किटी ने मुझे खूब सुनाया। किटी के घर पहुंचा तो मेरी मुलाकात शिमला के डॉक्टर हेदली से हुई जिन्होंने मुझे अलीसियम रोड पर नशे में बड़बड़ाते हुए देखा होगा। चलो हम साथ साथ चलते हैं जहां तक जा पाए, क्या कहते हैं? हाँ हाँ श्योर। हम थोड़ा चले ही थे कि वो शुरू हो गए। अच्छा आज क्या हुआ था जो तुम किसी एग्नेस के बारे में बात करते हुए जा रहे थे? मैं उनके सवाल से थोड़ा परेशान हुआ, पर अचानक मेरी नजर उस रिक्शे पर पड़ी जो हमसे कुछ कदम दूर ही खड़ा था। मैं एक अजीब दुविधा में था और पूरे सफर में मैंने डॉक्टर को सारी बात बता दी। सारी बीमारियां पेट, दिमाग और आंख से हैं और तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, समझे? मैं क्या कहता, मैंने भी हाँ हाँ किया। बातों बातों में हम डॉक्टर के घर पहुंच गए और उन्होंने उसी वक्त मेरा इलाज शुरू कर दिया। तकरीबन एक हफ्ते तक मैं उनकी ही निगरानी में रहा जिसकी वजह से मैंने बहुत हल्का और बेहतर महसूस किया। उन्होंने मुझे स्पेक्ट्रल इल्यूजन के बारे में बताया कि किस तरह पेट, दिमाग और आंखें हमें ऐसी चीजें दिखाती है जो हकीकत में नहीं होती। जैक तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, यू आर एब्सोल्युटली फाइन।
और अगर वह रिक्शा तुम्हें फिर एक बार दिखा तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा। वहां से मैं सीधे किटी के घर गया। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश, क्योंकि 1 हफ्ते बाद अपनी दिल की धड़कन किटी से मिल रहा था। हम दोनों खुशी खुशी घुड़सवारी करने निकले। पहले छोटा शिमला, वहां से संजोली तालाब। अपनी धुन में गाते गुनगुनाते हुए घूम रहे थे हम। दिन भर मानो ऐसी खुशी जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। और मुझे देखकर किटी भी बहुत खुश थी। दिल में एक ही बात थी कि मैं और किटी इसी तरह सारी उम्र खुश रहे। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मैंने फिर से रास्ते के बीचों बीच एग्नेस का रिक्शा देखा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और अपनी आंखें मसलने लगा। घबराहट में मुझे याद ही नहीं कि कब मैं घोड़े से गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि मैं जमीन पर गिरा पड़ा हूं और घबराहट में मैंने किटी को अपने और एग्नेस के रिश्ते के बारे में बता दिया, जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मेरी बात सुनकर किटी मायूस भी थी और गुस्सा भी। और उसी गुस्से में वो वहां से चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की, पर वो इतने गुस्से में थी कि उसने मुझ पर चाबुक चला दिया, जिसका निशान आज भी मेरे चेहरे पे है। मैंने सारी बात डॉक्टर को बताई तो वो मुझे फिर से अपने घर ले गए और फिर से मेरा इलाज शुरू कर दिया। 1 हफ्ते हो गए डॉक्टर के घर पे। मैं बहुत कमजोर हो चुका था। जब मेरी आंखें खुली तो कुछ कदम दूर बैठकर डॉक्टर मुझे ही देख रहे थे। जैक, तुमने जो खत किटी के लिए लिखे थे ना, वो सारे वापस आ गए हैं। और ये मंगनी की अंगूठी भी। अगले दिन जब मैं उठा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बीमारी की खबर सारे शिमला में फैल चुकी थी। अब मेरे दिल से ठीक होने की उम्मीद जा चुकी थी और मुझे पता था कि अब डॉक्टर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मुझे याद है 15 मई को मैं डॉक्टर के घर से निकला। वहां से कुछ लोगों ने मुझे क्लब तक लिफ्ट दी। क्लब में बैठे सारे लोगों को मेरे बारे में पता था और उनमें एक अजीब काटने वाली हमदर्दी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। किटी को खोने के बाद जैसे खाने का टेस्ट जा चुका था। बस जिंदा रहने के लिए लंच किया और निकल पड़ा अपनी जान को ढूंढने। इंसान जब उदास होता है तो उसी की याद आती है जिसे वो प्यार करता है। मैं बस यूं ही सुनसान सड़क पर मायूस चल रहा था कि अचानक कुछ आवाज आई। मुड़कर देखा तो एग्नेस का रिक्शा मेरे साथ साथ चल रहा था। इस बार रिक्शे को देखकर मैं डरा नहीं। कुछ ही देर में मेरे बगल से किटी और उसके साथ एक लड़का अपने अपने घोड़े पर सवार आगे निकल गए। किटी ने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं कोई अनजान हूं। मैं ना कुछ सोच पा रहा था ना ही कुछ सही से कह पा रहा था। बस अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था, कभी गिनती, कभी अपना नाम, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ। हम यानी मैं और वो रिक्शा जब एक बिल्कुल ही सुनसान जगह पहुंच गए
तो मैं रुक गया, और वो रिक्शा भी। मैंने एग्नेस से थरथराती हुई आवाज में कहा, अब तो बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। एग्नेस ने अपने सर से दुपट्टा हटाया तो मैं और घबराने लगा, पर मैं संभाल गया। वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी मैंने उसे 8 महीने पहले जिंदा देखा था, वही लिबास, वही रुमाल, वही ग्लव्स। वो रिक्शे से उतरकर मेरे साथ चलने लगी। हम चलते चलते कमिश्नर के घर तक आ गए। इस दौरान उसने मुझसे जो कहा मैं वो तो नहीं बता सकता, पर हाँ, मुझे इतना एहसास हो चुका था कि अब मेरी जिंदगी में एग्नेस के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सुबह हो या शाम, मैं जहां जाऊं वहां मेरे इंतजार में रिक्शा खड़ी रहती है। हम शिमला की गलियों में अकेले भटकते रहते, बातें करते रहते, और मुझे अकेले में बात करते देख कुछ लोग हंसते हैं, कुछ अचंभित हो जाते हैं, और कुछ तो पागल समझकर ध्यान ही नहीं देते। इस तरह की जिंदगी मेरे लिए जैसे अजीब थी, पर मैंने कहीं ना कहीं इसमें भी तसल्ली ढूंढ ली थी। जब मैं और एग्नेस दिन भर यूं ही भटकते हैं तो कितनी बार किटी को उसके नए प्रेमी के साथ देखा, देखकर मैं यही सोचता था कि एक एग्नेस ही है जो मरने के बाद भी मुझे छोड़ती नहीं है, और एक किटी है जो जीते जी प्रेमी बदल रही है। डॉक्टर ने मुझे इंग्लैंड जाने का मशवरा दिया, पर मुझे पता था कि मेरा अंत तो शिमला में ही होना है। हर रात बिस्तर पे लेटता हूं तो यही सोचता हूं कि इस बदन से मेरी आत्मा निकलेगी तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, या फिर एग्नेस की तरह एक भटकती आत्मा बन जाऊंगा। यह बात आपको सुनने में अजीब लगे, पर मुझे लगता है कि मौत से ज्यादा तकलीफ मौत के इंतजार में होती है। मुझे बेशक अपने गुनाहों की सजा मिल गई। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।